बस अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रही हूँ ऑर्फन बच्चों के लिए यानी यतीम बच्चों के साथ इफ्तारी करने। DIG साहब जो है हमारे, उन्होंने और उनकी मिसेस ने बड़ा अच्छा इदारा बनाया है अलमरा, और वहाँ पे आज कुछ बच्चों की इफ्तारी है जो उन्होंने माशाल्लाह हमेशा के लिए अपने पास रखे हुए हैं। उनकी अच्छी ग्रूमिंग हो रही है, अच्छी परवरिश हो रही है, और हम भी इस नोबल कॉज में थोड़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे इफ्तारी करेंगे, और डोनेशन के लिए भी वहाँ पे ज़रूर जो भी अपना हिस्सा है वो डालेंगे। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह ताला नेकियों को कबूल फरमाए। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं। अलमरा फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम DIG महबूब असलम लीला और मिसेस महबूब असलम लीला, सोफिया, उनकी मिसेस का नाम सोफिया है, ये दोनों मियां बीवी ने यतीम बच्चों की कफालत के लिए ये इदारा खोला है, और उनकी एक आला लेवल पे, एलीट क्लास लेवल पे उनकी परवरिश हो रही है, और उनको ज़िंदगी की हर सहूलतें और हर कमियां पूरी हो रही हैं। शायद कुछ ऐसे बच्चे जो वालदैन रखते हैं उनको भी ये सहूलतें और ये ज़िंदगी मुयस्सर नहीं। ऐसे लोग काबिले सताइश हैं, काबिले तारीफ़ हैं, और अल्लाह ताला इनको जजाए खैर दे। कल मैंने वहाँ इफ्तारी की और बच्चों के साथ मिलकर इफ्तारी की, बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह मैं इस टीम का हिस्सा बन रही हूँ ताकि मैं भी दुआएं ले सकूँ। मेरा बेटा प्यार्च मेरा नाम है, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, आपको ये कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग्स हैं आप? जितने बच्चे खुश हैं उससे डबल मैं खुश हूँ, क्योंकि बच्चे जो इस वक्त अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं, खुश हैं, और रमज़ान और इफ्तारी कर रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो ये क्रेडिट इनको जाता है जो हमारे महबूब भाई हैं। हमारे पास बच्चियां भी मौजूद हैं, क्या इनको आप अप्रूव करेंगे अदाकारा बनाएं? नहीं, अदाकारा बनने में कोई बुराई नहीं, बस जो काम ही कर रहे हैं, ज्ञानदारी से कर रहे हैं, जज्बाए वतनी को अपने साथ रखे और हर काम में ध्यानत हो, एक पॉजिटिव उनकी सोच हो, माइंडसेट पॉजिटिव हो, नेगेटिविटी ना हो, दुनिया का कोई भी काम करे और ये सोच कर करें कि हमने इसमें अपना नाम पैदा करना है, अपने मुल्क का नाम पैदा करना है। और जिस तरह की इनको तरबियत दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, वो माशाल्लाह वेल ऑर्गेनाइज और वेल डिसिप्लिन बच्चे हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, और इंशाल्लाह सब अच्छे बड़े होंगे। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच। और हमारे बच्चों की आपने हौसला अफजाई की है, यकीनन ये दाद के मुस्तहिक हैं, जिस तरह इनके वालिदैन हैं और वो जिस तरह का काम कर रहे हैं, फिर जिस तरह इनकी तरबियत हुई है, जिस तरह आप बता रही हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और इनकी तरबियत वेल ग्रूम्ड है, और नजर आती है ये तरबियत और तरबियत नजर आती है। वाकई काश हमारे मुल्क के हर बच्चे में ये रंग नजर आए जो इन बच्चों में नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी। तकरीबन टीम निकल आनी है, यही हमारे सितारे और इनको जिस ख्याल और मोहब्बत के साथ इनकी परवरिश हो रही है, इनकी देखभाल हो रही है, इंतहाई साफ सुथरे न्याय सफाई के साथ तकलीफ के साथ काशी करते हैं। बहुत ये जो कॉन्सेप्ट है कि नाम
किसी को भी नाम से पुकारा जाए ना तो बहुत अच्छा फील करता है। तो ये अपना कॉन्फिडेंस हमेशा इसका हाई लेवल पे रहेगा कि उनके नाम से पुकारा जाए और सबके नाम लिखे हुए, दिस इज वेरी गुड। मैडम इसके अलावा भी अगर आपको मालूम है तो जो बच्चे हैं इनके जो घरों में ना जो बच्चे बनना चाहते हैं इनकी जो पिक्चर्स हैं उन वर्दियों में प्लेस की गई है बकायदा तौर पर। कोई फौजी बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, तो उनको उस तरह बताया गया कि भाई आपने ये बनना है। और बच्चे बिल्कुल वेल ग्रूम्ड है, तो बच्चियों के बारे में भी माशाल्लाह वो भी किसी से कम नहीं। मैं बच्चियों के बारे में ये कहूँगी कि उनको अमूर खानदारी से भी पूरी वाकफियत होनी चाहिए। अगर वो क्वीन भी बन जाए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बन जाए, कोई बड़े अहदे पे चली जाए, मंडी रोटी से करनी पड़ेगी वरना मियाँ खुश नहीं होता। तो उनको अभी से अपने किचन की, कुकिंग की, घरदारी की ट्रेनिंग देनी चाहिए और यकीनन दे रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत प्यार और लाडों से पाला जा रहा है, उनसे जो है कोई भी ऐसा जो काम नहीं किया गया जो मुशक्कत वाला, और बच्चे जो है बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ तशरीफ लाए। नाज़रीन जी आप देख रहे हैं कि बच्चे हमारे साथ इसी तरह मौजूद हैं आज के हमारे। अच्छा जी जी आप मैं जानना चाहूँगी पाकिस्तान बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ रखिए आप तो भी बच्चों के साथ। जब आप काम कर रहे हो तो फिर आपको पूरी एफर्ट करनी चाहिए और अपनी स्किल्स जो है पूरी उसको बिल्कुल कार लाकर काम करना चाहिए। माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेल, बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है। और डिस्कवर पाकिस्तान ने तो यकीन करें कि इस माहौल को इतना खूबसूरत कर दिया है कि हर कोई आता और इधर भाग रहा, और इतना रश था कि आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए हमने बाहर आके मैंने अपने कमेंट्स रिकॉर्ड करवाए हैं। थैंक यू मैम, तो माय बेस्ट विशेस। थैंक यू मैम, थैंक यू। स्कूल गर्ल थी तो आई आई थी तब हम शहर से थे, क्योंकि मुझे वो ज़रा उसमें थोड़ा शहर के बीच में था ना, इसमें शॉपिंग की ज़रा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, इसलिए बड़े हैं ना, दो माशाल्लाह। इससे बड़े हैं। हाँ, जी, जी, जी। पिछले दिनों मैं भी रैम्बो के साहिबा के गिरफ्तारी पे गई थी। अच्छा, उनका नाम ही रैम्बो पड़ गया। हाँ, हमने बड़ा एंजॉय किया। जी, तारी वो खुद नहीं सो के। जी, जी।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? ठीक हूं बिल्कुल। वैसी की वैसी आप भी माशाल्लाह। लेकिन भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आप छोटी हैं आपको जैसे आप बना सर बंदे क्या हाल है? एक्चुअली सारे उसमें पता क्या लोग उसमें करते भी हैं कि मेरी बेटी आप कर रहे हैं अपना सेगमेंट बिल्कुल पहले भी मेरा ख्याल साल हो गया या दो साल बच्चों से भी मुलाकात हुई थी और बड़ा अच्छा लगा था। मेरा बहुत जी चाह रहा था आने को लेकिन फिर उन लोगों से इतनी मुलाकात नहीं हुई तो बड़ा बहुत अच्छा लगा। माता जी तो मेरे बच्चे पढ़ गए हैं काफी ज्यादा जी बिल्कुल वही इस नोबेल कॉज में कोई क्या बात है। इसके अंदर छोटी बच्चियाँ भी माशाल्लाह से मौजूद हैं। बच्चों ने अलबत्ता कलरफुल कपड़े पहने थे वो ग्रीन व्हाइट मुझे नजर नहीं आ रही लेकिन हाँ उन्होंने कैप्स पहनी थी ग्रीन कलर की। और जब हमने प्रोग्राम का आगाज कर दिया मालूम तो उस वक्त ही बच्चों ने 23 मार्च की मुनासिबत से तराने के ऊपर परफॉर्म किया और फिर हमारे साथ और जो बच्चे थे जिन्होंने जैसे तहसीन और अरसलान हैं उन्होंने भी नाच पढ़ी और तिलावत भी की। इतने प्यारे लग रहे थे और